हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सप्लोर करेंगे सेल्स के बारे में सेल्स क्या होते हैं उनके पार्ट्स और ऑर्गेनल्स कैसे काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेल क्या होता है सेल एक बेसिक यूनिट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं सेल्स से टिश्यू फिर टिश्यू से ऑर्गेन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है सेल का आउटर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली पर्मिएबल होती है मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन से सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और कौन से बाहर जा सकते हैं अब बात करते हैं न्यूक्लियस की न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है जो सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है नेक्स्ट ये सेल के पावर हाउसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो सेल के लिए जरूरी होती है इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर ER, दो टाइप्स का होता है रफ ईआर ER और स्मूथ ईआर रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और स्मूथ ईआर लिपिड्स बनाता है गोल्गी एपरेट प्रोटीन्स को मॉडिफाई सॉर्ट और पैकेज करता है ये प्रोटीन्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है लाइसोसोम सेल के वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं ये वर्न आउट और फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनते हैं ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं वैक्यूल्स स्टोरेज कंपार्टमेंट्स होते हैं जो मटेरियल्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट सेल्स में वैक्यूअल्स बेड होते हैं और वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट के लिए फूड बनाता है तो दोस्तों ये द सेल्स के पार्ट्स और ऑर्गेनल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बाय